नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खान का एक्शन पैक्ड ट्रेलर हुआ रिलीज, शाहरुख और दीपिका के सामने जॉन अब्राहम बने बड़ी चुनौती। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान अपने बीते काफी महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ फैन शाहरुख खान को लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पठान को लेकर विरोध करने वालों को भी कमी नहीं है। अब तक फिल्म के गाने से लेकर कॉस्ट्यूम तक कई चीजों पर बवाल खड़ा हो चुका है। फिल्म के बायकॉट की लगातार मांग उठ रही है। इस बीच आज यानी 10 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पठान के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा फिल्म को हिट बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के मेकर्स का दावा है कि पठान के साथ दर्शकों को एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस तीनों का डोज मिलेगा। पठान के ट्रेलर की शुरुआत जॉन अब्राहम के साथ होती है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा है। जॉन की टीम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है और उनका अगला निशाना भारत है। देश को बचाने के लिए स्पाई एजेंट शाहरुख खान यानी पठान को बुलाया जाता है, जो जेल में अपना वनवास काट रहा है। मिशन पर मुस्तैद पठान की मुलाकात अपने जैसी दूसरी स्पाई एजेंट दीपिका पादुकोण से होती है, जो मिशन के लिए पठान के साथ हाथ मिलाना चाहती है, लेकिन पठान को उसके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रेलर में मशीन गन से लेकर एरियल स्टंट तक एक्शन का फुल डोज देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही शाहरुख का एक डायलॉग भी ध्यान खींच रहा है, जब वह कहते हैं कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। शाहरुख खान के लिए पठान बेहद खास है। फिल्म को हिट बनाने के लिए शाहरुख पूरी मेहनत कर रहे हैं। बॉडी बनाने से लेकर फिल्म के प्रमोशन तक किंग खान हर पैंतरा आजमा रहे हैं। फिल्म में शाहरुख एक स्पाई एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। पठान को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। पठान को दुनिया भर के कई एक्जॉटिक लोकेशन में शूट किया गया है। स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के अलावा डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म 25 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। हिंदी के अलावा पठान तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की जाएगी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।